फर्ज कीजिए आप पुलिस वाले हैं, आपके सामने एक दुर्दांत अपराधी, उस दुर्दांत अपराधी के हाथों में एक बंदूक हो, उस अपराधी को गोली चलाते दूसरों को मारते सबने देखा हो, आप उस अपराधी को ललकारें, वो सामने से आप पर गोलियां चलाए, आप क्या करेंगे? क्या आप पहले ये सोचेंगे कि अरे इस अपराधी का धर्म क्या है? क्या आप ये सोचेंगे कि अगर इस अपराधी पर मैंने कार्रवाई कर दी तो कहीं मुझे सवालों का सामना न करना पड़ जाए? क्या आप ये सोचेंगे कि इस अपराधी को अगर कुछ हो गया तो कहीं मुझे सजा न हो जाए? आप सोच कर बताइए, अगर आप पुलिस वाले हो तो आप क्या करेंगे? मैं यकीन के साथ कह सकती हूं आप कहेंगे कि अगर गोली चलाई है तो गोली का जवाब गोली से देंगे, और यही कुछ झांसी में भी देखने के लिए मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस एनकाउंटर पर सवालों की गोलियां दाग दी गई, और इसीलिए हम इसे एनकाउंटर पार्ट टू कह रहे हैं। कमजोर की जान ले लेंगे। महात्मा गांधी के खातिल को गोली मारी गई या जेल में डाला गया बताइए, और सजा हुई नहीं हुई उसको, जो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट गुट से एनकाउंटर कर दिए थे? क्या गांधी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? लगातार जब से सरकार आई है फेक एनकाउंटर करा रही है। अगर वो सजा के काबिल था तो उसको जेल भेजना चाहिए था। मिट्टी में मिला दूंगा, उसी दिन ये यकीन हो गया था कि ये एनकाउंटर होगा, और निश्चित तौर से ये फेक एनकाउंटर है। अगर पुलिस जो है न्याय देने लगी तो फिर लोकतंत्र का और कानून का ऑन द ईव ऑफ अंबेडकर जयंती व्हाट वी आर टेलिंग द कंट्री। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, मायावती की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी, यूपी में प्रियंका गांधी की पार्टी के नेता, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता, सबको लगता है माफिया अतीक के अपराधी बेटे असद को फर्जी तरीके से मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन इन लोगों के सामने खड़े अतीक के अपराध की गोली सहने वाले राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, मारे गए उमेश पाल की पत्नी और माँ, शहीद हुए गनर संदीप के परिजन, शहीद गनर राघवेंद्र के परिजन, असद के साथ मारे गए शूटर गुलाम की माँ और भाई, और एक माँ जो 35 साल से अतीक से लड़ते लड़ते थक चुकी है। ये लोग हैं जिन्हें लगता है कि झूठ बोलते हैं एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेता। आज असद के एनकाउंटर के बाद देश में छेड़ी गई सियासी मुठभेड़ का जवाब देने वाले चेहरों से दस्तक देते हुए आपको मिलवाएंगे, जिसके बाद आप भी टीवी देखते हुए फैसला करिएगा एनकाउंटर सही है, गलत है, फर्जी है या फिर असली। खबर है कि अतीक अहमद आज भी रोया। पूछताछ की गई तो एक नजर बेटे असद को देखने की इच्छा उसने जताई, लेकिन ये वही अतीक अहमद है जिसका जो अत्याचार रहा है वो लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, देवरिया से लेकर बस्ती तक नजर आता है। न जाने इसके पीड़ित, इससे प्रताड़ित कितने लोग हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक पक्ष का चश्मा लगाकर इस मुद्दे को, इस एनकाउंटर को देखा जा सकता है? क्या ये कहीं वोटों का कोई नया गणित तो नहीं है? पहले काशीराम की मूर्ति का अनावरण करा, फिर अखिलेश यादव अंबेडकर जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचते हैं। विरोधी कहते हैं कि ये दौरा चुनाव देखकर अखिलेश इसलिए कर रहे ताकि मुस्लिम प्लस यादव वाले पुराने वोट बैंक में डी यानी दलित को भी जोड़ा जा सके। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव देखकर तो बीजेपी एनकाउंटर करा रही है, लेकिन आप यहाँ एक नहीं दो बयान सुनिए। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहाँ घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। नेता सदन से ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है, और एक उदाहरण नहीं है क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? जो लड़का वीडियो गेम खेलने की उम्र में माउजर से फायर खुलेआम करता हो, जो लड़का 7 साल बाद गोलियां चलाकर कत्ल करता दिखे, वो एनकाउंटर में मारा जाता है तो क्या पूछा जाएगा कि अरे ये तो कमजोर की जान लेना चाहते थे? अखिलेश यादव असद के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए बोलते हैं क्या कमजोर की जान ली जाएगी तो वो भी जाने असद कितना कमजोर था। असद को छोटे सांसद जी कहकर बाकी गुंडे और अतीक के समर्थक बुलाते थे,
असद स्कूल में पढ़ता था, मैच रेफरी बने टीचर को ही पीट देता था। असद बिना मुंह छिपाए सीधे उमेश पाल को गोली मारने पहुंचता है, गली तक भीतर जाकर घुसकर गोली चलाता है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। असद गोली चलाकर भागा था और गोली चलाकर ही पुलिस के सामने से भागने वाला था। इसके बावजूद अगर अखिलेश को लगता है कि एनकाउंटर गलत है तो फिर अपनी पार्टी की विधायक पूजा पाल को जरूर सुने, जिनके पति राजू पाल को अतीक और अशरफ ने प्रयागराज में मारा था। बताते हैं कि राजू पाल को तो अस्पताल पहुंचने तक गोलियों से अतीक के गुंडे ढूंढते रहे। जैसे करनी वैसी भरनी, जब रुलाए हो तो रोगे, जो जैसा करता है उसको ऐसा भरना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए आत्मा का भाई कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती है। हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि एक आत्मा होती है, तो आत्मा की तो शांति मिलती ही है सबको, मगर जो परिवार, जो उनके पीछे जो परिवार है, जो लोगों को खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज़ें मिलती हैं। इनकाउंटर देखिए सरकार की सोच है, शासन की सोच है, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, अपराधी का कोई धर्म कोई जात नहीं होती है,